आज की चर्चा का विषय अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है और यह विचार अनेकांतवाद यह दर्शाता है कि इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं या अनंत धर्म है। जैन दर्शन में ये कहा गया है अनंत धर्मकम वस्तु। इसका अर्थ है कि वस्तुओं में अनेक गुण होते हैं। जैन दर्शन यह मानता है कि यह जो संसार है यह जीव और भौतिक जड़ तत्वों से भरा पड़ा है, अर्थात यहाँ पे चेतनता भी मिलेगी और अचेतनता भी मिलेगी। चेतन द्रव्य भी है और जो दूसरा इसका तत्व है जड़ तत्व वह भी है जो कि अचेतन है। जैन दर्शन ने जीव को आत्मा माना है और ये चेतन द्रव्य है और इस आत्मा का जो स्वरूप लक्षण है, एसेंशियल प्रॉपर्टी है, वो चेतना है। तो जैन दर्शन इस आत्मा को ज्ञाता भी मानता है, इसे भोक्ता भी मानता है और इसे कर्ता भी मानता है और इसकी एक विशेषता है जीव की या आत्मा की कि ये अमूर्त है, लेकिन अमूर्त होने के बावजूद भी ये जो आत्मा है ये आकार को ग्रहण करती है। तो जीव अनेक है और जीवों से भरा हुआ ये संसार है। अब यहाँ पे ये देखना होगा या ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि इस जीव का निवास न केवल मनुष्य पशुओं में या वनस्पतियों में है, लेकिन इस जीव का निवास धातुओं में भी है, पत्थरों में भी है, यानी पदार्थों में भी है। तो जैन दर्शन इस प्रकार से देखें तो पैन साइकिज्म का पक्ष पोषण करता है या ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वात्मवाद है या पैन साइकिज्म है। अब जीव के अलावा जो जड़ तत्व है इसे जैन दर्शन पुद्गल कहते हैं और पुद्गल का उन्होंने कहा है कि जो पूर्ण होते रहते हैं और गलते रहते हैं, ये उन्होंने पुद्गल के विषय में कहा है। और इस पुद्गल के भेद उन्होंने आगे किए हैं कि अणु है और स्कंद है। अणु पुद्गल का अंतिम वह हिस्सा है या अवयव है जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता और इन अणुओं के या इन परमाणुओं के जो समुदाय है इसे वे स्कंद कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि इस पुद्गल के चार गुण हैं स्पर्श रस गंध और रूप। अब जैन दर्शन आगे ये कह रहा है कि संसार चेतन जीव और इस अचेतन तत्व जो कि पुद्गल है इससे परिपूर्ण है और ये भी अनेक हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैन दर्शन हर एक वस्तु के दो पक्ष मानता है, एक नित्य और एक अनित्य। वस्तु में कुछ गुण नित्य होंगे या स्थाई होंगे और कुछ गुण अनित्य होंगे या अस्थाई होंगे। आगे वो ये कह रहा है कि जिन वस्तुओं में जो गुण निरंतर विद्यमान होते हैं वे
एक प्रकार से उस वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं और इसीलिए इन्हें आवश्यक गुण भी कहा गया है। अनित्य गुण जैन दर्शन में हमेशा वस्तुओं में नहीं रहते और ये परिवर्तनशील है, अर्थात ये बदलते रहते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे आत्मा का जो आवश्यक गुण है वो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, या इसका स्वरूप गुण है, लेकिन इसके विपरीत आगंतुक गुण जो आत्मा में है वे हैं दुख है, इच्छा है, सुख है, कल्पना है इत्यादि। ये आत्मा के आगंतुक गुण हैं, अर्थात ये आते जाते रहते हैं और बदलते रहते हैं। कभी मनुष्य सुख की अनुभूति करता है, कभी दुख की, और इस प्रकार से ये स्थायी गुण नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो आवश्यक गुण है, जैन दर्शन ये कह रहा है कि ये वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं और इसे गुण कहते हैं। मतलब आवश्यक गुण को गुण भी कहा गया है, और वे गुण जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उन्हें जैन दर्शन अनावश्यक गुण कहता है, अर्थात उन्हें पर्याय कहते हैं। आगे ये ध्यान देना होगा कि जैन दर्शन ने अपरिवर्तनशील गुणों के द्वारा इस द्रव्य की नित्यता का वर्णन किया है और परिवर्तनशील पदार्थों के द्वारा जैन दर्शन उत्पत्ति तथा क्षय की वो व्याख्या करता है। तो अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है ये एक प्रकार से स्यादवाद के लिए एक प्रकार से एक आधार बनता है और जैन दर्शन के अनुसार हर एक वस्तु के अनंत धर्म है या अनंत गुण है और इन गुणों की संपूर्ण जानकारी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो मनुष्य केवल वस्तुओं के आंशिक गुणों की जानकारी ही रख पाता है या उसे रखने में सक्षम है कि कोई भी मनुष्यों को किसी भी वस्तु के सारे गुणों की जानकारी नहीं होती या नहीं हो पाती, क्योंकि मनुष्यों के ज्ञान की सीमाएं हैं। लेकिन जो सर्वज्ञानी है उसे वस्तुओं के सारे गुणों की जानकारी होती है, और यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु के संपूर्ण गुणों को जानता है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि वह व्यक्ति संपूर्ण वस्तुओं के समस्त गुणों को जानता है। तो मनुष्यों के सारा जो ज्ञान है, जैन दर्शन ये कह रहा है कि आंशिक होता है, एकांगी है, एक तरफा होता है, अपूर्ण है या सापेक्ष है। जैन दर्शन का जो सिद्धांत है वो यही है कि स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो यही है कि वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान केवल एक मुक्त व्यक्ति को ही हो सकता है। साधारण व्यक्ति को वस्तुओं के अनंत गुणों का ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए उन्होंने ये माना है कि मनुष्य को जो ज्ञान है वो आंशिक है, एकांगी है, और इस आंशिक ज्ञान को जैन दर्शन में नय कहा गया है। तो नय किसी वस्तु को समझने के लिए जो अनेक दृष्टिकोण है वह ही नय कहलाते हैं। तो नय क्या है कि ये सत्य का ही एक आंशिक रूप होता है और इसे ही एक प्रकार से ज्ञान की सापेक्षता कहते हैं, और स्यादवाद भी ज्ञान की सापेक्षता का ही सिद्धांत है। तो यहाँ पर जैन दर्शन में एक
उदाहरण से वे अपनी बात समझाते हैं कि लोगों के बीच में जो मतभेद होता है उसके पीछे कारण यही है कि हर एक व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण को सत्य मान लेता है और दूसरों के विचारों की उपेक्षा करता है। अर्थात व्यक्ति अपने आंशिक ज्ञान को सत्य मान लेता है और दूसरों के जो विचार हैं या दूसरों के जो मान्यता है या जो कुछ वे जानकारी रखते हैं उसे व्यक्ति गलत मानता है, तो इस प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सियादवाद में यही कहा गया है कि अगले व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है उसमें भी सत्यता है लेकिन वो आंशिक है, और व्यक्ति की स्वयं भी जो व्यक्ति का स्वयं का भी जो दृष्टिकोण है उसमें भी सत्यता है लेकिन वह भी आंशिक है। तो इस प्रकार से अगर इस चीज को व्यवहार में उतारें तो सभी प्रकार के विवाद जो हैं उनका अंत हो जाएगा। अर्थात जब हम ये माने कि हमारा दृष्टिकोण आंशिक है, एकांगी है, तो हम दूसरों के दृष्टिकोण का भी सम्मान करेंगे और उससे जो विवाद की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। तो जैन दर्शन में वो कहते हैं कि लोगों के बीच में जो मतभेद का कारण है वो यही है कि दूसरों के विचारों की, दूसरों के दृष्टिकोण की हम उपेक्षा करते हैं, नहीं उपेक्षा करते हैं लेकिन उसका विरोध भी करते हैं हर एक प्रकार से। तो ऐसा करने पर विवाद उत्पन्न होता है। जैन दर्शन ने कह रहा है कि भाई ज्ञान तो सापेक्ष है और इस चीज़ को समझना चाहिए, और वे एक दृष्टांत से भी इसको समझाते हैं कि 6 अंधे थे और उन्होंने हाथी के विभिन्न शरीर के जो अंग हैं, हाथ है, पांव है, पूंछ है, उनका स्पर्श किया और किस प्रकार से प्रत्येक अंधे को लग रहा था कि उसका जो ज्ञान है वो ही संपूर्ण हाथी का ज्ञान है, और वे इस भ्रम में थे। तो प्रत्येक अंधा सोचता था कि उसी का ज्ञान सब कुछ है और बाकी सब गलत है। तो जैन दर्शन इस दृष्टांत के माध्यम से ये समझाना चाह रहा है कि दूसरों के दृष्टिकोण को गलत बतला कर, मिथ्या बतला कर या उसकी उपेक्षा करके या उसके दृष्टिकोण को एक है दृष्टि से देखकर या तुच्छ दृष्टि से देखकर दूसरों के विचारों का हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए लेकिन उसके विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसमें भी आंशिक सत्यता है। तो ये इस प्रकार से ये सियादवाद का सिद्धांत है और इसके जो परामर्श हैं जैन दर्शन में 7 परामर्श हैं, तो उस पर विचार आगे करेंगे।